कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए ये ग्राफिक ट्वीट किया। इसमें राजीव गांधी के हवाले से लिखा है कि जब एक बड़ा पेड़ गिरता है तो जमीन हिलती है। लेकिन जब भी कोई बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती थोड़ी हिलती है। बता दें कि ये बयान पूर्व प्रधानमंत्री ने इंदिरा गांधी की हत्या के बाद हुए सिख नरसंहार को लेकर दिया था। आलोचना होने के बाद उन्होंने ये ट्वीट डिलीट कर एक और ट्वीट किया। ये ग्राफिक बिल्कुल वैसा ही था, लेकिन इसमें राजीव गांधी का एक दूसरा बयान शेयर किया गया है। जब कई लोग उनसे पूछने लगे कि उन्होंने ये ट्वीट किया था या नहीं, तो अधीर रंजन चौधरी ने एक ट्वीट में आरोप लगाया कि वायरल ट्वीट के स्क्रीनशॉट का उनसे कोई लेना देना नहीं है। कांग्रेस नेता ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई और कहा कि उनका ट्विटर अकाउंट हैक कर लिया गया था। अब सोचने वाली बात यह है कि अगर हैक हुआ था तो एक ही जैसे ग्राफिक कैसे पोस्ट हुए। कई यूजर्स ने इस ट्वीट के स्क्रीनशॉट को फर्जी बताया, जबकि ये ट्वीट असली था। जर्नलिस्ट आदित्य मेनन ने अधीर रंजन चौधरी के पुराने ट्वीट को रीट्वीट करते हुए लिखा था कि क्या इस शर्मनाक कोर्ट को मनाया जाना चाहिए। यहां से हमें ट्वीट का लिंक मिला, जिससे ट्विटर पर सर्च करने पर ऑल्ट न्यूज को मालूम चला कि कई लोगों ने इसे कोट ट्वीट किया था। वायरल स्क्रीनशॉट में 11:27 का टाइम दिखता है, वहीं अधीर रंजन चौधरी ने दूसरा ट्वीट 11:54 पर किया था। ऑल्ट न्यूज ने ट्विटर पर 11:27 से 11:54 के बीच के टाइम फ्रेम में कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी के ट्वीट पर दिए गए जवाब ढूंढे। इससे हमें उनके डिलीटेड ट्वीट पर किए गए कई रिप्लाई मिले। टाइम्स नाउ के पत्रकार सिद्धार्थ शेखर ने अधीर रंजन चौधरी के डिलीटेड ट्वीट पर ट्वीट स्टैम्प को टैग किया। ये ट्विटर बोट अकाउंट है। इस अकाउंट ने कांग्रेस नेता के ट्वीट का स्नैपशॉट क्लिक कर उसका लिंक शेयर किया। इसमें डिलीटेड ट्वीट की बाकी डिटेल्स के साथ वायरल ग्राफिक का लिंक भी दिया गया था। यानी कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने वाकई में इंफोग्राफिक ट्वीट किया था, लेकिन विवाद के बाद उसे डिलीट कर दिया और अलग कोट के साथ ऐसा ही एक और ग्राफिक शेयर किया।